हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी गाड़ी है किया सोनेट, उसका जो हमारा एंटी थेफ्ट सिस्टम है वो हमारा कैसे वर्क करता है। तो ये जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है ये हमारा HTK मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। HTE मॉडल में ये हमारा नहीं आता, ये हमारा HTK या उससे ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं उन सब में ये हमारा आता है। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि ये हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अभी हम देखें तो हमारी गाड़ी इस समय हमारी लॉक्ड है। ये देखो गाड़ी मैंने लॉक कर दिया है, लॉक्ड है इस समय। तो अगर मैं अभी इसका ट्राई करूँगा, ये जो चाबी है हमारी, इस चाबी से मैं अपनी गाड़ी को ओपन करने की ट्राई करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि गाड़ी हमारी कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि अगर कोई चोर हुआ या जो भी हुआ वो चाबी से अगर इसको ओपन करेगा तो गाड़ी हम देखेंगे कि कैसे हमारी रिएक्ट करेगी। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको चाबी से इसको ओपन करेंगे। गाड़ी अभी इस समय हमारी लॉक्ड है, तो अभी देखते हैं गाड़ी हमारी कैसे रिएक्ट करती है। तो जैसे मैं अभी चाबी लगाता हूँ एंड ये हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो, तो ये जब तक हम इसको लॉक नहीं करेंगे ये हमारा बीप करती रहेगी, जो कि काफ़ी सही फीचर है गाइस। जैसे कोई भी इसको चाबी से अनलॉक करना चाहेगा, बेशक इसी चाबी से ही अनलॉक करेगा तो ये हमारा बीप करने लग जाता है एंड इसका हॉर्न भी काफ़ी लाउड है, तो चोर की वैसे ही फट जानी है। तो ये तो एक सबसे पहला फीचर था इसका एंटी थेफ्ट सिस्टम का, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगता है। दूसरा एक और फीचर है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को हल्के से शीशे जो है इसके डाउन करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा गाड़ी, अब मैं जो है इसका अंदर से इसको अनलॉक करूँगा एंड देन इस गाड़ी को ओपन करूँगा। तो अभी गाड़ी को हम कर देते हैं लॉक्ड, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ। तो गाड़ी है इस समय हमारी लॉक्ड, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे जो मिरर्स हैं वो हमारे अंदर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से कंफर्मेशन के लिए, गाड़ी हमारी हो चुकी है लॉक्ड। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि ये फीचर जो है हमारा कुछ सेकंड के बाद काम करता है। तो जैसे मैं अभी इसको अंदर से अनलॉक करके फिर मैं गेट को ओपन को ट्राई करूँगा, तो आप फिर देखना गाड़ी कैसे रिएक्ट हमारी करती है। बट उसके लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इंस्टेंट इसको ओपन करेंगे तो गाड़ी हमारी बीप नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी को पता है बंदा ने अभी लॉक की है तो आसपास ही होगा तो ओपन हो सकता है। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आप देखना गाड़ी हमारी कैसे रिएक्ट करती है। तो अभी गाड़ी हमारी लॉक्ड है चारों तरफ से। तो गाइस गाड़ी हमारी लॉक्ड है एंड अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा अंदर से इस, देखो गाड़ी पहले तो हमारी लॉक्ड है, तो अभी मैं इसको अंदर से अनलॉक करूँगा गाड़ी को। तो जैसे ही हमारा अंदर से गाड़ी अनलॉक हो गई है, अब मैं इसको ट्राई करूँगा खोलने की। ये देखो गाइस, तो मतलब फिर से हमारा बीप करने लग जाता है। तो इसका फीचर का मतलब ये है, जैसे अगर चोर अगर आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है एंड शीशा तोड़ के अंदर से इसको अनलॉक करके गाड़ी खोलता है, तो तब भी ये हमारी गाड़ी जो है वो बीप करने लग जाएगी। तो ये दूसरा एक इसका फीचर है जो कि काफ़ी सही है। तो मतलब एंटी थेफ्ट सिस्टम जो है इसका काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। एंड गाइस अब बात आती है तीसरे फीचर की। तो जी हाँ, इसके अंदर तीसरा फीचर भी है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गाड़ी अनलॉक एंड शीशा ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसका काम हो गया, आपको जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया है। तो अब जैसे मैं गाड़ी, हम कई बार क्या होता है हम गेट को हल्का सा ओपन छोड़ जाता है, पूरे अच्छे से बंद नहीं होता। तो जैसे आप देखो ये हमारा अच्छे से बंद नहीं है, हल्का सा ओपन है। तो अगर मैं गाड़ी लॉक करता हूँ, देखो भाई गाड़ी कोई भी नॉइज़ हमारी नहीं करेगी, ना कोई पोंप आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा लॉक हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो इससे हमें पता चल जाता है अगर साउंड ना आए कि गाड़ी हमारा कोई ना कोई गेट हमारा खुला हुआ है। तो जैसे अगर मैं गेट खोल के अगर मैं बंद कर दूं, फिर अगर मैं करूं तो हमारा साउंड आएगा। तो एक बार आपको दूसरा गेट भी मैं दिखा देता हूं करके, जैसे एक गेट है एंड ये हमारा हल्का सा खुला है गाइस, देख सकते हो आप। तो आप अगर मैं गाड़ी को लॉक करूँगा
ये देखो गाड़ी हमारी लॉक हो गई है, लेकिन ना हमारे मिरर्स अंदर गए हैं एंड ना इसने हमारी कोई साउंड की है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी का कोई ना कोई डोर या फिर डिक्की हमारी खुली हुई है। बट हाँ अनलॉक पे गाड़ी हमारी साउंड करेगी, जैसे देख सकते हो गाड़ी तो लॉक है बट अच्छे से नहीं है, तो अनलॉक पे हमारा साउंड करेगा एंड जब पूरा लॉक हो जाएगा तो हमारा साउंड वापसी आ जाएगा। तो सेम चीज़ मैं आपको डिग्गी के साथ भी इसका दिखा देता हूँ। तो गाड़ी अभी अनलॉक कर दिया मैंने एंड डिग्गी हमारी अच्छे से बंद अभी नहीं हुई है, तो मैं लॉक कर दी। देखो गाइस डिग्गी पे क्या होता है, डिग्गी अगर खुली रह जाए तो हमारे शीशे जो है वो अंदर हो जाते हैं बट हमारा आवाज़ साउंड अभी भी नहीं आती। ये देखो मैं लॉक का बटन दबा रहा हूँ बार बार बट कोई हमारी कहीं पर साउंड नहीं है, तो उसके लिए फिर से हम डिग्गी ओपन करेंगे, पहले इसको अनलॉक कर लेते हैं एंड अगर मैं अच्छे से डिक्की बंद कर दूं, ये देखो गाइस फिर हमारी साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड सेम केस इसका हमारा जो आगे बोनट है उसके साथ भी है, अगर आपका बोनट हल्का सा खुला रह जाए एंड उसके बाद अगर आप इसको लॉक करो तो गाइस साउंड नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक बार वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अभी गाड़ी हमारी लॉक्ड है, देखो साउंड आ रहा है एंड मैंने करी अनलॉक, पता नहीं बोनट से क्या लेना देना था बट स्टिल आपको पता चल जाता है कि आपका गाड़ी का बोनट भी हमारा ओपन है। तो गाइस देख सकते हो अभी हमारा बोनट जो है वो हमारा ओपन है, तो अभी मैं इसको पूरा ओपन नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ दूँगा क्योंकि टेस्ट करनी है हमको। या थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमारा बोनट है एंड मैं इसको अच्छे से बंद मैंने नहीं किया है, ये हल्का सा ओपन रह गया है। तो अब अगर मैं गाड़ी लॉक करता हूँ, ये देखो गाइस गाड़ी में कोई साउंड नहीं है, शीशे अंदर हो जाते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है कि अगर हमारे चारों डोरों में से कोई डोर हमारा बंद नहीं हुआ है उसके बाद हम लॉक करते हैं तो साउंड नहीं आता बट मिरर्स भी अंदर नहीं जाते। लेकिन अगर आपका अगर बोनट ओपन है एंड डिक्की खुली छूट गया एंड फिर आप लॉक करते हो तो साउंड नहीं आता बट आपके मिरर्स जो हैं वो अंदर हमारे चले जाते हैं। तो अभी देखो हमारी कोई साउंड नहीं की गाड़ी में, तो जैसे ही मैं इसको अच्छे से बंद कर देता हूँ एंड हमारा साउंड वापस से आ गया इसके अंदर। तो गाइज ये बड़ा अच्छा फीचर था इसका एंटी थेफ्ट सिस्टम, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगा है। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो में, आई होप वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आगे आगे आपको ऐसी और भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।